Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for some of the questions, value based and HOTS question. These are on page number 68-69 of ML Agarwal class 8 mathematics. To start with, I have chosen question number, this is value based question number 1. One thing I would like to tell you, the value यू विल राइट डाउन योर सेल्फ. अब वैसे भी बेटा वैल्यू लिखने को नहीं आती है, बीच में कुछ टाइम के लिए आती थी, तो वी विल सॉल्व ओनली दी मैथमेटिकल पार्ट आउट ऑफ इट. सो तरंग, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1. इन स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 कलेक्टेड रुपीस 9216 टू गिव डोनेशन टू एन एनजीओ वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन. इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, find the number of students in class 8. Why should? हाँ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि values being promoted, इसका answer आप खुद अपने से बना के लिख सकते हो. ठीक है, तो कोई भी school है बेटा, उसमें जो students है class 8 के, उन्होंने 9216 rupees collect किए हैं ताकि वो किसी NGO को donate कर सकें poor children के लिए, और हर student ने उतने ही रुपीज डोनेट किए हैं जितने क्लास 8 के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं. ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्लियर ही है, सॉल्यूशन के साथ मैं इसे सॉल्व करता हूँ. ये वैसे वैल्यू बेस्ड है पहला, राइट, याद रखना. वन सेकेंड, तो वैल्यू बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये 1. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले टोटल मनी कलेक्टेड फॉर डोनेशन कितनी है, टोटल मनी कलेक्टेड फॉर डोनेशन वो दे रखी है हमें रुपीज 9216, राइट. और ये कहा है कि हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे डिनोट किए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इक्वल टू एक्स, और फिर लिखिए मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, और हर बच्चे ने कितना पैसा डोनेट किया, रुपीस एक्स ही डोनेट किए. तो अकॉर्डिंग टू एक्स जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जितना हर स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं, इक्वल टू हो जाएगा टोटल मनी कलेक्टेड, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9216 और एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9216. अब आपके ऊपर है, आप ये जो स्क्वायर रूट है 9216 का, वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, या लॉन्ग डिवीजन से निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग डिवीजन से निकालिए. तो एक ऐसा नंबर है लॉन्ग डिवीजन से जरा बढ़िया हो जाएगा, राइट. तो 9981 आपको पता ही है, ठीक है, 9981 लॉन्ग डिवीजन से फटाफट हो जाता है, आपको पता ही है. पीछे से दो दो की पेयरिंग कीजिए, काफी प्रैक्टिस की है हमने, प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं चाहे तो. 9 का डबल है 18, ठीक है. अब यहाँ पर 6 आ रहा है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप, मतलब 6 यूनिट डिजिट पर है और 6 वहां भी है, तो 186 इंटू 6 ट्राई करें. अगर आप 186 इंटू 6 ट्राई करेंगे, 186 इंटू 6, तो यही आ जाएगा 1116. ठीक है, आप चाहें खुद से ट्राई भी कर सकते हैं. तो x हमारा कितना आ गया 96. तो प्रॉपर आंसर आप लिखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास 8 के अंदर, वो कितने हैं, 96 हैं, और मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, और हर बच्चे ने कितना पैसा डोनेट किया है, 96 रुपीस डोनेट किए. ठीक है, तो बेटा ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है. और वीडियोग्राफी में बार बार मैं यही कहूंगा, हम इसलिए क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि आप चाहे तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं. तो ये मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है. अब इसके बाद मैं चाहूंगा, तरंग आज वेदर काफी अच्छा है, तो ये पीछे से
कोयल की आवाज भी सुन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। A person wants to plant 2704 medical plants with a board depicting the disease in which that can be used. He planted these in the form of rows. If each row contained as many plants as the number of rows, then find the number of rows. तो एक पर्सन ने 2704 मेडिसिनल प्लांट जो हैं किसी भी बोर्ड पे लगाने हैं विच इज डिपिक्टिंग द डिसीजेस ताकि उसका फर्दर यूज किया जा सके, तो उसने रोज की फॉर्म में लगाए हैं और हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू। सबसे पहले मैं बोर्ड आपके लिए रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर है 69 ML अग्रवाल, राइट, पेज नंबर 69 ML अग्रवाल पे क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़ा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट्स टू बी प्लांटेड, तो कितने प्लांट्स है जो हमें प्लांट करने हैं, 2704 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नंबर ऑफ रोज और नंबर, हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स और उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो बी एक्स टू। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही x इंटू एक्स हमें कितना दिया है, 2704, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2704, x हमें निकालना है, वो हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 2704। अब लॉन्ग डिवीजन से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से, थोड़ा लेंथी हो जाता है तभी मैं चाहूंगा लॉन्ग डिवीजन से करें, वैसे भी लॉन्ग डिवीजन थोड़ा टफ होता है, तो उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही बढ़िया। पीछे से दो दो की पेयरिंग कर लीजिए, 5 5 दा 25, 2 बच गया, 0 4 को उतारिए। ठीक है, 5 का डबल यहाँ 10 आ गया। अब नंबर सोचो, मतलब 101 की 1 से करोगे तो 101 आएगा, या 102 की 2 से कीजिए, 102 की 2 से करोगे तो 204 आएगा, राइट। यानी कि x हमारा कितना आ गया, 52। उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और अगर आपको ध्यान हो नंबर ऑफ रोज जो थी हमारी x थी, तो वो कितनी आ गई, 52 आ गई। ठीक है, तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू वैल्यू बेस्ड। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूं। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया, राइट, ये ध्यान रखना। तो अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हॉट्स के 3 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट, हॉट्स में से, तो मैं चाहूंगा 1 by 1 आप वो पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। A square field is to be plowed. Ramu get a plow of rupees 34560 at the rate of 15 per square meter. Find the length of side of square field. तो यहाँ देखिए, कोई भी स्क्वायर फील्ड है उसे प्लव करना है, प्लो करना है, मतलब उसके खेत को जोतना है। रामू गेट्स इट प्लोड एट द रुपीज 34560, 34,560 रुपीज में 15 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से खर्चा आता है, तो हमें लेंथ बतानी है स्क्वायर फील्ड में। ठीक है, तो ये जो भी स्क्वायर फील्ड है इसको पूरे को वो करना है, और स्क्वायर मीटर है तो मतलब पेरीमीटर आएगा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर देखो 15 पर मीटर स्क्वायर मीटर दिया है, तो एरिया आएगा क्योंकि पूरे खेत को प्लो करना है, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपका हॉट्स का पहला क्वेश्चन है, राइट। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड जो है वो हमारा आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, जितना आपने प्लो करना है फील्ड को, एक सेकंड रुकिएगा, जितना आपने फील्ड को प्लो करना है
total cost of plowing the field upon cost of plowing at the rate कितना दिया है रुपीज 15 पर स्क्वायर मीटर, मतलब रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, राइट? मतलब यहां पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, जो भी कॉस्ट ऑफ प्लोइंग है वो दिया, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये क्या था, ये था 34560 और फील्ड हमारी कैसी है, फील्ड हमारी स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए यहां पर क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, आपको पता ही है, राइट? तो ये हो जाएगा 345460 अपॉन में रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर, यहाँ रुपीज से रुपीज कट कर दोगे और ये डिवाइड करो, ठीक है ना। अगर आप 34560 को पहले 5 से डिवाइड करो और यहाँ पर भी ये 5 से करो, 5 3 15 और ये आ जाएगा 6912 और फिर 3 से करो, ठीक है, 3 2 3 3 0 3 4। तो ये आ जाएगा 2304। ए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2304। ये ए हमें निकालनी है साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304, मैं हमेशा लॉन्ग डिवीजन इसलिए प्रेफर करता हूँ, फटाफट हो जाता है, ठीक है ना। पीछे से दो दो की पेयरिंग कीजिए, 4 4 16, 5 5 25। तो 4 4 16 यहाँ पर लगाइए, ये 4 का डबल यहाँ पर आ गया 8। अब है ना, ट्राई करो, यूनिट प्लेस पे वहां पर 4 है तो पक्का 88 × 8 होना चाहिए। 88 × 8 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 704 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर ए हमारा कितना आ जाएगा, वैसे भी पता होना चाहिए, 48 का स्क्वायर है 2304, तो 2304 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 48, ठीक है ना। और ये डायमेंशन अगर आपको ध्यान हो मीटर में थी, तो यानी कि आंसर आ गया कि जो साइड है स्क्वायर प्लॉट की हमारी वो कितनी आ गई है, 4848 मीटर आ गई है, राइट? मैं आपको सेंड कर रहा हूं। दो और क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो में, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है और साथ में मैं चाहूंगा आप एमसीक्यू और मेंटल मैथ्स खुद ट्राई करना, ठीक है ना। तो जो भी डाउट आएंगे फिर मैं हेल्प करूंगा। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो स्क्वायर रूट 5 का वैसे मुझे तो याद है लगभग 2.23 समथिंग होता है, राउंड ऑफ करके वो 2.24 आ जाता है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पर देखो, हमें करना क्या है, रूट 5 की हमें लॉन्ग डिवीजन से वैल्यू निकालनी है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और उसके बाद क्या करना है हमें, ये एक एक्सप्रेशन है 3 + √5 / √5, ये जो भी आएगा इसकी वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ध्यान से देखिए, पहले ये रूट 5 है, 5 को ऐसे लिख लीजिए 5.00। मैंने बताया ना, पॉइंट के बाद इवन नंबर ऑफ जीरोस आप लिख लेना, ठीक है। फिर ये पेयरिंग करो, ये ऐसे 2 2 का क्या होगा 4, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 5 के बाद भी डेसिमल है, ठीक है ऐसे। अब ये डबल जीरो को नीचे उतारो, यहाँ पर 2 का डबल हो गया 4, ठीक है। अब ऐसे ट्राई करना, 41 1 दा 42 2 दा 42 2 दा होता है 84 और 43 3 दा होता है 129, तो 42 2 दा ट्राई कीजिए, 42 × 2 कितना आ जाएगा 84, ये सब ट्रैक करोगे ये 16 आएगा। अब ये डबल जीरो को ऐसे नीचे लिखो, यहाँ 2 का डबल है 4, यहाँ 4 एज इट इज, ठीक है ना। अब ट्राई करो, ये देखो 442 तो बहुत छोटा होगा, 443 × 3 हमारा आ रहा है 1329, ठीक है ना, यही मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, तो 443 × 3 आ रहा है 1329, और अगर आप 444 × 4 करते हैं तो आपका आएगा 1776, तो 1776 तो बड़ा हो जाएगा,
तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, 443 इंटू 3 लगा रहे हैं। 3 प्लेसेस तक निकाल के मैं उसे 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूंगा, यहाँ देखना ठीक है। तो यहाँ आ गया 1329। अब अगर आप 1600 में से माइनस करते हैं 1329 को, तो ये माइनस आप कर सकते हैं 271 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखो ऐसे 00 नीचे उतारिए, अब यहाँ देखिए 3 का डबल क्या होगा, 6, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होता है उसका डबल होता है, ये 4 और 4 एज इट इज आएंगे। अब ये हमें देखना है, जैसे 4465, 5 पे पहले मैं ट्राई करता हूँ, 4465 इंटू 5, 4465 इंटू 5 आ रहा है मेरा 22325, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा 4466 इंटू 6, 4466 इंटू 6, ये आ रहा है 26, ये ज्यादा नहीं आ रहा, राइट, 26796, क्योंकि अगर आप इससे बड़ा करते हो 4467 इंटू 7 करते हो तो वो आएगा 31269, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 4466 की 6 से यहां पर कीजिए, ये आ जाएगा 26796, और एक बार 27100 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 26796 को, तो आ जाएगा 304, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 प्लेसेस तक उन्होंने हमें बोला था, 3 प्लेसेस तक हमने निकाल लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक बार लाइन बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट 5 की वैल्यू जो कि 2.236 आई है, अगर आप उसे 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये जो 6 है 5 से बड़ा है, तो मैंने बताया था ना उससे पहले वाले नंबर को प्लस 1 आप दे देंगे, राइट, तो ये 2.24 हो जाएगा। तो रूट 5 की वैल्यू आ गई 2.24। अब ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालिए जो स्क्वायर रूट के अंदर है, राइट। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ रूट 5 की जगह, मैं लिख रहा हूँ 2.24, और यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 3 माइनस 2.24, फिर इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 3 प्लस 2.24 करोगे तो आ जाएगा 5.24, और 3 माइनस 2.24 करोगे तो आ जाएगा 0.76। ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 100, आपको पता है आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो ये पॉइंट हटा के 100 और ये पॉइंट हटा के भी 100 हो गया, ये 100 से 100 कट गया। वी आर लेफ्ट विद रूट ऑफ 524 अपॉन में 76। अब ये 2 से जाएगा 238 था, और अगर आप 524 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 262 आ जाएगा, राइट। फिर 2 से काटो 219 था, और ये कितना आ जाएगा 2131 था। ये थोड़ा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा आज पाच हो रहा है, ये बच गया रूट ऑफ 131 अपॉन में 19। अब 131 वैसे 19 से जाता नहीं है, ठीक है ना, तो ये जाए मतलब डेसिमल में आएगा, ये आ जाएगा 6.894736 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, 6 पॉइंट इतना मैं मान लेता हूँ, वैसे तो ये आगे भी जा रहा है, रैशनल लग रहा है मुझे, पर मैं इसे इतना मान लेता हूँ और इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखता हूँ, 6.894736। पीछे से दो दो की पेयरिंग कर ली, ये अकेला है, ठीक है, 2 2 4 क्योंकि 3 3 9 तो बड़ा होगा, यहाँ गया 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी डेसिमल है। अब 89 को नीचे उतारो 289, यहाँ 2 का डबल 4, अब ट्राई करो 45 into 5 225 46 into 6 276, इसके ज्यादा नियन लग रहा है क्योंकि 47 7 था 329, वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, 46 into 6 276, ये आ गया 9 minus 6 3 8 minus 7 1। अब यहाँ से ये 47 को उतारो, अच्छा इसने बोला था ये जो भी वैल्यू आए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल के फिर उसे राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। ये 1347, यहाँ 6 का डबल 12, एक इसे मिल जाएगा, 4 और 1 ये 5। अब ये देखो ये क्या होगा, 522 इंटू 2 होगा ये, राइट, 522 इंटू अगर 2 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1024। सिग्निफिकेंट फिगर ये तीनों आ गए, वैसे इतना ही छोड़ दो तो बहुत है, पर एक स्टेप और कर देता हूँ, चलो ये 2, ठीक है, यहाँ पर ये 3,
क्योंकि अगर आप 523 इंटू 3 करते हैं तो 1569 आता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 36 को ऐसे उतार लो नीचे, और यहाँ पर बेटा ये ऐसे है इसके साथ है, तो 522, ये 2 का डबल 4, फिर यहाँ 5, ये 5 और 2 एज इट इज। अब यहाँ सोचो, ये पहले 5 पे ट्राई करो, 5245 इंटू 5245 इंटू 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं यहाँ पर लिख देता हूँ है रफ में, 5245 इंटू 5 जो है मेरा आ रहा है 26225, और अगर 526 इंटू 6 करता हूँ, आई रिपीट 5246 इंटू 6 करता हूँ तो ये ज्यादा नियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लगाओ, 5246 की अगर 6 से कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 31476। इसे वैसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं भी करोगे तो ठीक है, पर उन्होंने 3 ही बोला था सिग्निफिकेंट, तो मैं कहूंगा वो लास्ट वाला छोड़ भी सकते हो, तो वो पूरा सॉल्व होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आ जाएगा 2.62, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर अलग है और पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस अलग है, ठीक है, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा कर दिया था, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेंथी था तो अच्छे से करना, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूं। मूविंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्लीज रीड इट। Lalit has some chocolates. He distributed these chocolates among 13 children in such a way that he gave one chocolate to first child, 3 chocolate to second child, 5 chocolate to third child and so on. Find the number of chocolates Lalit had. तो यहाँ पर ललित के पास कुछ चॉकलेट है जो उसे 13 बच्चों में बांटनी है और ऐसे देनी है कि पहले वाले बच्चे को फर्स्ट मिले, दूसरे को 3 मिले, तीसरे को 5 मिले, इस तरीके से, ठीक है ना, चॉकलेट उसे मिलती रहे, ये ध्यान रखना, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे ये एपी की सीरीज बनेगी, वरना आपको वो मैंने एक तरीका और समझाया था, ठीक है, मैं थोड़ा सीरीज लिख के समझाता हूँ। ललित हैज सम चॉकलेट, ये तो पता नहीं उसके पास कितनी चॉकलेट है, तो लेट ललित हैज X चॉकलेट्स, ठीक है। अब देखो उसे ऐसे बांटनी है, 13 बच्चों में बांटनी है, पहले को 1 मिली, फिर दूसरे को 3, तीसरे को 5, ऐसे करके ना रोमन में भी नीचे लिखते रहो, क्योंकि पूरे 13 स्टूडेंट्स को उसने बांटनी है। 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे लिखते रहो एक ही लाइन में, और यहाँ पूरे 13 तक काउंटिंग लिखो, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है, फिर ऐसे 19, 21 और ये 23, ये 10, ये 11, ये 12 और एक लास्ट टर्म क्या होगी, 25, ये 13 बच्चे हो गए, सबको बता दिया कितनी कितनी चॉकलेट मिल रही है, ठीक है। अब ये 13 है, वैसे तो ये 13 स्क्वायर होना चाहिए, अगर आपको ध्यान हो मैंने सिखाया था, इन सब का सम n स्क्वायर हो गया, यानी कि 13 स्क्वायर 169, फिर भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 25 36 49 54 64 64 और 7 71 81 ये 100 121 121, 124, 144, 149, 169, वही आएगा, ठीक है ना। तो क्लास ये इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ऑड नंबर है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के हॉर्ड्स एज वेल एज वैल्यू बेस्ड डिस्कस किए ML अग्रवाल से। जल्दी हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स के भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।